नगर का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला इलाके में स्थित 3 स्टार होटल में हत्या हो जाने से नागरिकों में भय का माहौल बना हुआ है। अब अपराधी भी घटना को अंजाम देने के लिए जिले का सबसे सुरक्षित ठिकाना नजीबाबाद को मानने लगे हैं, जहां वारदात को अंजाम देकर घटना स्थल से रफू चक्कर हो गए। दरअसल रविवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि नगर के 3 स्टार काना होटल के कमरा नंबर 105 में ठहरे एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। सूचना के बाद बिजनौर SSP मय पुलिस फोर्स की घटना स्थल पर पहुंची और घटना का बारीकी से निरीक्षण किया। मौके पर डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया गया, लेकिन तब तक अपराधी घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो चुका था। बताया जा रहा है कि नई दिल्ली निवासी शाहबाज अपने दोस्त हापुड़ निवासी शहजाद के साथ स्विफ्ट डिजायर कार से नजीबाबाद के 3 स्टार काना होटल पहुंचा था, जो भागुवाला में पैसों के लेन देन को लेकर आया था। लेकिन परिवार में मौत हो जाने के कारण बिना लेन देन के ही वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद मृतक शाहबाज रात बिताने के लिए नगर के 3 स्टार काना होटल में कमरा लेकर रुका था। अगले दिन कमरे का दरवाजा ना खुलने पर पुलिस को सूचना दी गई, तो बिस्तर पर खून से लथपथ शाहबाज का शव पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शाहबाज झोझा नाम के एक व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 45 से 48 वर्ष है, अपने एक साथी के साथ नजीबाबाद में आए। ड्राइवर शाहबाज के साथ स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से कल्याणपुरी के रहने वाले हैं, दिल्ली में किसी पैसे के लेन देन के लिए आए थे, जो ड्राइवर ने बताया है। भागुवाला गए, फिर वहाँ से डिलीवरी न होने और उसके घर में मौत होने की सूचना दी गई, जो ड्राइवर ने बताया है। रूम नंबर 105 कान्हा होटल में आए, मृत अवस्था में सुबह पाए गए। दरवाज़ा जब खोलने का प्रयास किया गया, बाहर से दरवाज़ा बंद था। लगभग 1 बजे रूम खोला गया, उनके गर्दन में हाथ में कटे के निशान हैं, मृतक अवस्था में हैं। पंचायत रामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। फील्ड यूनिट की टीम SSL SWAT सर्विलांस सारी टीमें लगाई गई हैं। SPCT के नेतृत्व में 3 टीमें लगाई गई हैं। चूँकि मृतक और मारने वाले जानने वाले हैं, एक साथ के हैं, तो घटना का पर्दाफाश शीघ्र होगा। मृतक के परिजनों को सूचना दी जा रही है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। Time24 न्यूज के लिए बिजनौर से हाशिम खान की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।